नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको बता दें कि आप परेशान क्यों हैं, बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों, अगले 7 दिनों में ये साप्ताहिक राशिफल है और आपकी सारी परेशानियों का अंत चुटकियों में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें कि आज की वीडियो खास आपके ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित की गई है। दोस्तों, अगले 7 दिनों तक ग्रह गोचर में बड़े बदलाव और परिवर्तन होंगे और बड़े ही खास बदलाव होंगे। इसके आधार पर ही वीडियो का निर्माण किया जा रहा है। सभी जानकारियां दोस्तों 100% सटीक है। दोस्तों, इस ग्रह गोचर को आपको ध्यान में रखते हुए उसी से सटीक आपको इस वीडियो में एक उपाय भी बताया है, जो कि दोस्तों ये उपाय मात्र करने से ही आपका भाग्य उदय होने लगेगा। दोस्तों, यह उपाय बिल्कुल ही फ्री है। दोस्तों, इसमें आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है, लेकिन दोस्तों बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही खास है। हमने और हमारी टीम ने बहुत ही विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई है, बहुत ही जांच पड़ताल करके इस वीडियो का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपने अभी तक अगर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से जय माता दी के जयकारे जरूर लगाइएगा। दोस्तों, हमारी एक मेहनत के बाद में वीडियो बहुत ही खास बनी है, इसलिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, जब आपके पास में कुछ भी नहीं था, लोगों को देख करके आपके दिल में ऐसा ख्याल आता था कि काश ऐसी किस्मत आपकी भी होती, पर दोस्तों आपके घर के ही लोग, आपके घर के ही अपने लोग आपके बर्बादी के लिए खड़े हुए हैं और आपको बर्बाद करने के लिए खड़े हैं। हम आप सभी को बता दें कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपके अंदर अच्छाइयाँ छिपी हुई हैं, आपके अंदर भगवान का आशीर्वाद छिपा हुआ है। तो दोस्तों, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके पास में कुछ था ही नहीं और ईश्वर के आशीर्वाद इस प्रकार से थे, तो दोस्तों आपने जो जो चाहा है वो आप सभी को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में कुछ भी नहीं था तभी लोग आपको नहीं देख पा रहे थे, लोग आपसे जलते थे, लोग आपको पीछे खींचते थे, और दोस्तों अब ईश्वर के आशीर्वाद से आपके पास में सभी चीज़ें उपलब्ध हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। दोस्तों, अब ये सभी चीज़ें देखकर आपके शत्रु के खाने नहीं पचते हैं, उनके दिल और दिमाग में तहलका मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पर दोस्तों आप हमारी बस एक बात गार्ड बांध कर रख लीजिए कि अगर कोई आपके आगे गलत संदेश दे, गलत बातें बताए कि आपके बारे में वह व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, तो दोस्तों बिना अपने कानों से सुने दूसरे इंसान को गलत जवाब ना देना। दोस्तों, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपको इन 7 दिनों में थोड़ा सामाजिक कार्य में व्यस्तता दिखानी पड़ेगी और कोई अटका हुआ भुगतान मिलने से भी आर्थिक समस्या का समाधान भी हो सकता है। दोस्तों, छात्र नौकरी से जुड़ी किसी इंटरव्यू में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गलत कामों में आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, जिसके कारण दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण काम भी अधूरे रह सकते हैं। किसी छोटी बात को लेकर के घर में अनावश्यक तनाव हो सकता है, इसलिए दोस्तों ज्यादा गुस्सा करने से सावधान रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र में दोस्तों प्रतिस्पर्धा के कारण आपको अपने कार्य क्षमता साबित करनी पड़ सकती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों आपके चचेरे भाई या फिर सहकार्यकर्ता आपके गुणों से पूरी तरह से वाकिफ हैं और आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप अपने जीवन साथी को कभी भी नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा करना आपकी सफलता के मार्ग में बाधा डाल सकता है, जो दोस्तों आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों संतान पक्ष की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी आपके हाथ लग सकती है, जो कि बहुत ही लाभदायक और बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में भी दोस्तों सफलता मिल रही है। किसी पुराने व्यक्ति से मिलने से आपका दिन काफी शुभ रहने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि सप्ताह के पहले दिन में आपको थोड़ी सी तंगी रह सकती है,
दूसरे दिन में हालात सुधर जाएंगे और तीसरे दिन में दोस्तों वापस से हालात गिर सकते हैं। इसलिए आपको बस इतना कहना चाहेंगे कि हफ्ता के बीच बीच में आप अपने आर्थिक खर्चों को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि दोस्तों खर्चे आपको अपनी आय से ज़्यादा नहीं करने हैं। इसके साथ ही दोस्तों घर में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सहायता मिलने से आपके रुके हुए काम जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। भाई बहन पक्ष की तरफ से थोड़ा सा झगड़ा आ सकता है, इसलिए आपको उनसे प्यार से बात करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों इन 7 दिनों में आपको एक खास बात का ध्यान रखना है और वो है कि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि दोस्तों आप कितना ही अच्छा क्यों ना कर लें किसी का, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वाणी कुछ ऐसे शब्द बोल देती है जो किसी दूसरे के लिए सुनना उचित नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। दोस्तों महिला पक्ष की तरफ से आपको बता दें कि कोई खास खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वो आपकी बीवी हो या फिर आपके बहन हो, कोई भी हो, उनकी तरफ से आपको कोई बड़ी खुशखबरी हाथ लग सकती है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। नौकरी की तलाश करने वाले व्यक्तियों को नौकरी जल्दी मिल सकती है, उन्हें ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। यदि आप काफ़ी समय तक घर पर नहीं गए हैं अपने व्यवसाय के चलते, तो आपको थोड़ा उसे रेस्ट लेना चाहिए, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, काम आपका सुचारू रूप से चल रहा है, जिसमें बिल्कुल भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लोगों का काम है भड़काना और दोस्तों आपका काम है मस्त होकर चले जाना। इसलिए दोस्तों और लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, बहुत सारे लोग आपको उल्टी उल्टी पट्टी पढ़ा देते हैं, जिस कारण आप बहुत ही तनाव में आ जाते हैं। लेकिन हम दोस्तों ऐसा नहीं करते हैं, आपको बस वही चीज़ बताते हैं जिसमें आपका फ़ायदा हो और नुकसान से आप बच सकें। इसलिए दोस्तों हम आपसे बस एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी वीडियो को रोज़ाना सही टाइम पर देख लिया कीजिए। दोस्तों जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपको पीछे धकेलने वाले 1000 लोग आते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति का साथ बिल्कुल भी ना छोड़ें जिसने आपका साथ ऐसे टाइम पे थामा हो जब आपके साथ में कोई नहीं था। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें लव लाइफ के बारे में, लव लाइफ आपकी अच्छी चल रही है, आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं डिनर पर जा सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी खुशनुमा पल साबित करेगा। दोस्तों आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गिर सकता है, इसलिए आपको अपनी प्रॉपर डाइट लेनी है और थोड़ा हल्का भोजन ही करना है जो सुपाच्य हो, जो जल्दी पच सके, इससे दोस्तों आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्ते भीम। दोस्तों हर हर महादेव।